Hello students, welcome to IAE. In this video we are going to discuss about the half wave symmetry. Previously we have discussed some symmetry conditions, the even symmetry or odd symmetry agar hoga to kya hoga Fourier series mein. Abhi hum log dekhenge half wave symmetry kahan pe aate hain aur Fourier series mein uska importance kya hai. So half wave symmetry ka matlab kya hota hai? What is half wave symmetry? So half wave symmetry generally means that if we have any arbitrary signal xt, suppose this is an arbitrary signal xt, and if this xt is equals to minus of x of t plus minus capital T by 2, where capital T is the time period of xt. Time period of xt. So, if this condition is fulfilled, ये वाले कंडीशन अगर फुलफिल्ड होता है बाय द आर्बिटरी सिग्नल एक्स टी, देन वी कैन से दैट दिस सिग्नल एक्स टी इज फॉलोइंग द हाफ वेव सिमेट्री. सो हाफ वेव सिमेट्री का एग्जांपल देख लेते हैं. सपोज वी हैव अ सिग्नल लाइक दिस, सपोज वी हैव अ सिग्नल लाइक दिस. सो ये मेरा जीरो और ये सपोज कैपिटल टी बाई टू, और यहां पे और एक सिग्नल एक साथ ही है, दोनों सिग्नल आपका कुछ इस तरीके का हो रहा है, और यहां पे माइनस टी बाय टू, और सपोज दिस एम्पलीट्यूड इज वन एंड ये वाला एम्पलीट्यूड मेरा माइनस वन. सपोज वी हैव अ सिग्नल एक्स टी लाइक दिस, दैट मीन्स यहां से लेकर ऐसा, यहां से लेकर ऐसा. नाउ वी हैव टू चेक वेदर दिस सिग्नल इज फॉलोइंग द दिस हाफ वेव सिमेट्री और नॉट. सो फॉर दैट पर्पज वॉट वी नीड टू डू, वी हैव टू, यहाँ पे देखिए माइनस एम सामने है, मतलब एम्पलीट्यूड रिवर्सल है, और इसके साथ आपका टाइम शिफ्टिंग है. सो लेट अस फाइंड एक्स ऑफ टी प्लस टी बाई टू, और टी माइनस टी बाई टू भी आप ढूंढ सकते हैं. तो लेट अस टेक टी प्लस टी बाई टू, और वॉट वी नीड टू फाइंड राइट नाउ, वी आर गोइंग टू फाइंड एक्स ऑफ टी प्लस कैपिटल टी बाई टू, मतलब इस वाले एक्स टी का ये वर्षन हम लोग निकाल रहे हैं. सो टाइम शिफ्टिंग होगा. सो टाइम शिफ्टिंग जब होंगे तो सिग्नल आपका कैसा दिखेंगे? सो यहां पे मेरा वाई एक्सिस था, ये मेरा एक्स एक्सिस. ओके, नाउ व्हाट विल हैपन, वी हैव टू शिफ्ट दिस सिग्नल इन दिस डिरेक्शन, ये वाले डिरेक्शन पे प्लस टी बाई टू, मतलब ये वाला टी बाई टू वाला पॉइंट यहां पे आ जाएंगे, ये वाला पॉइंट यहां पे आ जाएगा, ये वाला पॉइंट इधर जाएंगे. सो दैट मीन्स आवर सिग्नल विल लुक लाइक दिस राइट नाउ, यहां से लेकर यहां तक जाएगा, और ये वाला वैल्यू होगा मेरा जीरो, और ये एम्पलीट्यूड मेरा वन. ओके, और ये वाले पॉइंट क्या होंगे, ये जीरो था तो ये माइनस टी बाई टू पे आ जाएंगे. सो माइनस टी बाई टू, अब यहां से लेकर यहां पे जाएंगे, फिर इधर जाएगा, यहां पे जाएंगे. सो ये जो पॉइंट होगा ये होगा माइनस टी. अब देखो ये वाला सिग्नल हुआ मेरा एक्स टी, एक्स ऑफ टी प्लस कैपिटल टी बाई टू. अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इसको एम्पलीट्यूड रिवर्सल करना है, मतलब ये वाला माइनस साइन डालना है. सो इफ आई पुट दैट माइनस साइन, सो माई सिग्नल विल x of t plus capital T by 2, ये वाला. So let us draw this signal. So if I draw this signal, then the signal कैसे दिखेगा? तो यहाँ पे मेरा y axis, ये मेरा x axis. अब देखो ये time axis मेरा, यहाँ पे भी मेरा time axis था. अब क्या होगा, ये जो minus वाला part था वो नीचे चले जाएंगे, ये plus वाला part आपका ऊपर चला जाएगा. So that means the signal right now will look like this. ये वाला पॉइंट आपका क्या है, माइनस टी बाई टू, तो लेट अस राइट इट एज माइनस कैपिटल टी बाई टू, और ये वाला पॉइंट आपका कैपिटल टी सपोज नाउ, और ये वाला आपका जीरो. सो ये वाला पोर्शन जब मैं यहां पे नेगेटिव साइन डालूंगा, मतलब एम्पलीट्यूड रिवर्सल, तो एम्पलीट्यूड रिवर्सल का कारण ये नीचे आ जाएगा. तो नीचे अगर आ जाएंगे तो मैं ड्रॉ कर सकता हूं ऐसा, ये माइनस वन हो जाएगा, और यहां पे मेरा
और यहाँ पे ये वाला सिग्नल आ जाएंगे क्योंकि ये मेरा नेगेटिव साइन है, तो इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, -1। सिमिलरली इस वाले पोर्शन आपका ऊपर में चला जाएंगे इस तरफ, तो दैट मीन्स यहाँ पे आपका सिग्नल हो जाएंगे कुछ इस तरीके का, यहाँ पे कुछ इस तरीके का सिग्नल आएगा। इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, इसका एम्पलीट्यूड हो जाएंगे 1। सो नाउ आपका सिग्नल ऐसा था, आपका सिग्नल ऐसा था और आपको मिला ये। अब ये दोनों सिग्नल को देखिए, ये दोनों सिग्नल बराबर है क्योंकि ये पहले था, इसके बाद ये है, तो ये पहला है, तो ये वाला टर्म तो यहाँ पे भी आएंगे ना, तो ये वाले सिग्नल आपका यहाँ पे भी आएगा, ये वाला पार्ट, क्योंकि ये पीरियडिक सिग्नल है तो यहाँ पे भी आएंगे। तो दैट मीन्स आपका सेम सिग्नल आ रहा है, दोनों सिग्नल आपका बराबर है, ये दोनों सिग्नल आपका बराबर है, इसीलिए ये जो मेरा सिग्नल ड्रॉ हुआ है यहाँ पे, दिस इज नथिंग बट अ हाफ वेव सिमेट्री सिग्नल, हाफ वेव सिमेट्री सिग्नल। सो इस टाइप का अगर मुझे हाफ वेव सिमेट्री सिग्नल आता है, पीरियडिक सिग्नल, सो व्हाट विल हैपन देन, सो इफ माय सिग्नल एक्स टी इज फॉलोइंग दिस हाफ वेव सिमेट्री एंड इट इज अ पीरियडिक सिग्नल हैविंग अ टाइम पीरियड ऑफ कैपिटल टी, देन द कंक्लूशन इज दैट द फूरियर सीरीज, फूरियर, आई विल नॉट गो इनटू द डेरिवेशन बिकॉज डेरिवेशन आपको जरूरत नहीं है, बट कंक्लूशन की जरूरत है। सो द फूरियर सीरीज ऑफ अ सिग्नल हैविंग द हाफ वेव सिमेट्री विल कॉन्टेन ओनली द ऑड हार्मोनिक्स, हार्मोनिक्स के बारे में मैंने बोला था इन द इंट्रोडक्शन ऑफ फूरियर सीरीज में। सो आपको ऑड हार्मोनिक स्ट्रिप मिलेंगे, कोई इवन हार्मोनिक नहीं मिलेगा, मतलब 3, 5, 6, 3, 5, 7 ये सारे चीज मिलेंगे, आपका इवन हार्मोनिक्स नहीं मिलेगा। तो उस टाइम पे आपका जो ए जीरो का वैल्यू होगा, ए जीरो का वैल्यू आपका जीरो आएगा, ए एन का जो वैल्यू होंगे दैट विल बी 4/T इंटीग्रेशन माइनस, सॉरी जीरो टू लेकर, जीरो से लेकर कैपिटल टी बाई टू तक, और एक्स टी जो मेरा हाफ वेव हार्मोनिक हाफ वेव सिमेट्री है उसके साथ आपका कॉस एन ओमेगा जीरो टी इंटू डी टी। सिमिलरली आपका बी एन विल ऑल्सो बी 4/T, यहाँ पे 2/T नहीं होंगे, 4/T होगा, इंटीग्रेशन माइनस कैपिटल टी बाई टू एक्स टी और साइन एन ओमेगा जीरो टी इंटू डी टी। सो ये हुआ मेरा हाफ वेव सिमेट्री का कॉन्क्लूशन। सो वी हैव टू यूज दिस कॉन्क्लूशन, ये वाला ऑड हार्मोनिक्स होंगे और इस कॉन्क्लूशन को यूज करना होगा मेरा हाफ वेव सिमेट्री में। सो हाफ वेव सिमेट्री कब होगा, जब मेरा एक्स टी इक्वल्स टू माइनस ऑफ एक्स टी प्लस कैपिटल टी बाई टू होंगे। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये हाफ वेव सिमेट्री आपके सेमिस्टर के लिए, सो यू हैव टू यूज दिस कॉन्क्लूशन। सो होपफुली यू हैव अंडरस्टूड द वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।